हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कॉलर के साथ, उन्हीं से आगे बात बढ़ाते हैं। नेक्स्ट 15 मिनट्स मेरा और आपका साथ रहेगा किस्मत कुंडली प्रोग्राम में। अगर किसी कारण आपकी बात मेरे साथ ना हो पाए तो आप हमारे ऑफ एयर नंबर 02088488844 के ऊपर भी बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो 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 चेक कर लीजिए, कॉल का आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो चलिए हमारी टीम चेक करती है कॉलर के। चलिए नेक्स्ट कॉलर को हमारी, ठीक है कोई बात नहीं। वास्तुशास्त्र को लेकर के बात हम करेंगे, और जो इससे पहले कॉलर थे उनके साथ बात हो रही थी शादी को लेकर के। तो आपके बेटे के शादी के योग जो हैं मार्च 2016 से शुरू होते हैं और मार्च 2019 तक, लेकिन उनकी दो शादियों के योग हैं। कुंडली मिलाकर शादी करें, जल्दबाजी ना करिएगा। ज़्यादा चांस जो है, ज़्यादा पीक टाइमिंग जो है वो 2017 में बनता है। सो हमारी तरफ से गुड लक कि जल्दी ही आपको अच्छी लड़की बहू आपको अच्छी मिल जाए, ताकि आपके बेटे की शादी का जो है टाइम वो ज़्यादा लंबा आपको वेट ना करना पड़े। सो यही हमारी दुआ होगी। वापस बात करेंगे वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी को लेकर के। सो वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में जो आपके साथ बात हो रही थी कि शनि से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं। सो अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो हाँ जी सर जी, अपने बारे में पता करना था। जी जरूर, आपके नाम का पहला अक्षर डब्ल्यू डब्ल्यू, आपका डेट ऑफ बर्थ 22nd November 86 22nd November 86 और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? 6:45 मॉर्निंग। और जन्म कहाँ का है? पाकिस्तान कराची। ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवम्बर 1986 6:45 मॉर्निंग का जी, और कराची पाकिस्तान का जन्म है जी। दिन था सैटरडे सैटरडे। अभी 29 की एज हुई है आपकी अभी अभी जी। जी क्या पूछना चाहते हैं जनाब? ये महीना डेढ़ हुए काम बिल्कुल खराब होना शुरू हो गया। डेढ़ महीने से हुआ है या अप्रैल से ही चल रहा है काम खराब? अप्रैल से समझ लें, मगर अप एंड डाउन लगा हुआ था, मगर अभी डेढ़ महीने से ज्यादा ही खराब हो गया जी। 15 सितंबर के बाद से जॉब छूट गई है, या कोई कोर्ट कचहरी का मसला तो नहीं बना आपके ऊपर? नहीं, कोर्ट कचहरी का मसला तो कोई नहीं है। उसका भी ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर शनि में बुध शुरू हुआ है जी। सॉरी, बुध में शनि शुरू हुआ है जी। सरकारी फाइन, किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड फाइन आ सकता है। गाड़ी चलाते हुए स्पीडिंग कर लें, कैमरा फोटो खींच ले आपकी, वो फाइन आ जाए, पार्किंग फाइन आ जाए, या किसी भी तरह का कोई और जाने अनजाने में आपसे कानून टूटे और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा, जॉब लूज होने का योग बन रहा है। ठीक है। और अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें धोखा, धोखा बिल्कुल, जॉब में भी धोखा होना कि दूसरों बंदों की वजह से, कि आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन दूसरे लोग आपसे जेलस करते हैं जिस कारण वो आपको ट्रबल में, प्रॉब्लम में फंसा रहे हैं। ठीक है। आई होप कि ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है अभी तक, लेकिन ये आपका पीरियड शुरू हुआ है 16 सितंबर से। ठीक है। और ये चलना है अप्रैल 2017 तक, 2017 अप्रैल तक।
रफली 1.5 साल का टाइम है जिसमें आपको हिडन एनिमीज, छिपे हुए दुश्मन, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी के मैटर, गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइन वगैरह का इनका ध्यान रखना है, ठीक है, और धोखा पैसे को लेकर के, किसी को मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मैंने आपसे कुछ पैसे उधार मांगे, आपने दे दिए, बाद में मैं मुकर जाऊँ, ठीक है, आपने मुझे कहा कि मनु भाई ये पैसे उस बंदे को पकड़ा जाना, आप जा रहे हो उसी तरफ, रास्ते में मैं ही अपने वो पैसे आपके हजम कर जाऊँ। सो कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो कोशिश करें किसी के ऊपर रिलाई मत करिएगा ऑन फाइनेंशियल मैटर्स या किसी भी तरह के जॉब रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। ठीक है, काम क्या करते हैं आपका, कोई फूड या ट्रांसपोर्ट में लिंक है? मोबाइल पहले कभी फूड या ट्रांसपोर्ट में किया आपने? मेरे फादर करते हैं ट्रांसपोर्ट में। फादर करते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो मोबाइल का कैसे, आपका सेल का है या रिपेयरिंग? ट्रांसपोर्ट का, ऑयल ट्रांसपोर्ट का। नहीं नहीं आपका मोबाइल का जो है, मोबाइल फोन से सेल, सेल्स का मेरा। तो क्या पिछले महीने 1.5 महीने से काम बिल्कुल ठप हुआ हुआ है या क्या प्रॉब्लम आई है? बिल्कुल, मुझे इनकम ही कुछ नहीं है भाई। मार्केटिंग का, मार्केट का करो आप काम, कि अगर आपके एरिया में मार्केट वगैरह लगती ना, जो संडे मार्केट या थर्सडे मार्केट, उसमें आप ट्राई करो, ठीक है। अपनी शॉप अगर आपका जो है, जो आपने अगर कुछ यूनिट लिया है या शॉप आपकी है, उसको रखो आप, लेकिन साथ साथ थोड़ा कोई भी ऐसा काम, आपका अपना मोबाइल का ही हो बेशक, जिसमें आपको एक जगह पे टिक करके नहीं बैठना है, साथ साथ आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाने का भी चांस बनता हो। आपका सूर्य शनि इकट्ठा है पहले घर में, केतु है 11वें घर में, 11वां घर आ जाता है आमदनी का, केतु है अनस्टेबल प्लेनेट, इंसान को अनसेटिस्फेक्शन देता है, एक जगह पर टिकने नहीं देता। अगर आप एक जगह पर टिक करके अपना काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी काम को शुरू करेंगे, मान लीजिए आप किसी और जगह पे यूनिट लेते हो, दुकान करते हो, शुरुआत बहुत अच्छी होगी, 2-3 महीने 6 महीने बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 काम जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपके खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे होंगे। सो जब तक आप अपने खुद से पैरों में थोड़ा चक्कर रखते हो, यानी कि एक जगह पर टिक करके काम नहीं करते, तो आपका काम जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। या फिर जॉब करें, ठीक, क्योंकि नौकरी आपके लिए अच्छी रह सकती है। मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ गुड लक के लिए, ताकि ये लीगल प्रॉब्लम्स को लेकर के भी गुड लक बना रहे और साथ साथ काम को लेकर के भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नजर आए। हफ्ते के दिन सैटरडे को जी 86 गिरी बादाम लेने हैं। 86 जी, 43 बादाम पानी में फेंक देने हैं, बहते पानी के नजदीक चले जाना है, ठीक है। 86 गिरी बादाम लेकर के उसमें से 43 बादाम पानी में फेंक देने हैं, ठीक है। मन में दुआ करनी है कि काम काज सेट रहे और गुड लक बना रहे, ठीक है। ये मन में दुआ करके 43 बादाम वापस ले आने हैं, ठीक है। उसको काले कपड़े में लपेट कर, ठीक है, घर में अंधेरी जगह पर रखें। कहाँ पे रखें? अंधेरी जगह पे, जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना पहुंचती हो, किसी भी कबर्ड वगैरह में रख दीजिए, ठीक है। लेकिन उस कबर्ड में पैसा या सोना ना पड़ा हो, ठीक है, मतलब कपड़ों की कबर्ड में रखिएगा, ठीक है। जूतों की कबड़ में नहीं रखना है, कपड़ों के साथ, ठीक है। ये 1 साल पड़ा रहने दें, 1 साल के बाद उसको बहते पानी में डालना है, फिर उसी बादाम को भी, ठीक। बच्चों की पहुंच से दूर रहे, खाए ना कोई इसको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप बर्ड्स को कुछ डालते हैं? नहीं। बाजरा ले आइए और जौ, बार्ली, ठीक है। ये वेनसडे से शुरू करके, ठीक है, हर रोज 1 मुट्ठी 3-4 महीने बर्ड्स को डालें, ठीक है।
सुबह के वक्त डालिएगा, सुबह सुबह पंछी जो हैं वो भूखे होते हैं जी। आपको फादर की कैसे तबीयत, आपकी पिता का सुख कम मिला है या भाई नहीं है आपके? हेलो, लगता है कॉल इनकी भी ड्रॉप हो गई है। कर कोई बात नहीं, अगर आप कॉल करना चाहें दोबारा कॉल कर सकते हैं। सो ये दो उपाय हैं जो आप अपने लिए करें, और होपफुली गुड लक जो है वो आपका बना रहेगा इससे भी। तो अभी समय भी कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, तो क्विकली मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि अगर आप की प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग है तो उसमें भी दरवाज़ा रखना हो तो वो कहाँ पे आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, कहाँ पे आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। सो मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि बोर्ड की तरफ अगर वो कैमरा कर दें। थैंक यू। सो ये वेस्ट है डायरेक्शन आपकी, तो यहाँ पे अगर आप इसको, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट। सो यहाँ पे अगर आप इसको एक तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि आपका ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका साउथ वेस्ट की तरफ आ जाता है। सो वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के डायरेक्शन को, अगर खास तौर पर वो वेस्ट फेसिंग है, तो इस तरफ को जाना अवॉइड करें, यानी कि आपका जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट की तरफ ना हो तो वो बेटर रहेगा। हाँ, अगर आप अपने मेन गेट में ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप नॉर्थ की तरफ ले आएं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो यहाँ से आप सेंटर पॉइंट जो है, जो आप अपना प्लॉट होगा वहाँ पे आप देख लीजिए, आपका मान लीजिए ये 15 फीट है, 15 फीट, तो अबाउट 7.5 जो है वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। सो सेंटर पॉइंट से अगर आप घर के अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि बाहर से खड़े होकर आप अंदर को देख रहे हैं, तो लेफ्ट की तरफ अपना दरवाज़ा रखिए। अगर आप घर के अंदर खड़े होकर के बाहर की तरफ देख रहे हैं तो राइट की तरफ आपको अपना दरवाज़ा रखना है, यानी कि जितना हो सके उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर साउथ वेस्ट की तरफ ले जाने से। सो ये है वेस्ट फेसिंग को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ आपको आज इतना ही बता पाएंगे कि आपको दरवाज़ा जो है वो किस तरफ रखना ज़्यादा शुभ होगा। हमारे कॉलर भी आए हैं, उनसे हेलो करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम को फिनिश करने का भी वक्त हो जाएगा और कॉलर के साथ बाद में बात हमारी होगी। सो कॉलर की बर्थ डिटेल्स हम ले लेते हैं एक दफ़ा। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्कार भाई, की हाल नमस्कार चाल? जी मेरा नाम जी तो स्टार्ट होंगे जी, तो थोड़ा डेट ऑफ बर्थ फिर। 9/11/1970, 9th November 1970। टाइम कितने बजे था? शाम दे 4:04, 4:04। जन्म कितना था थोड़ा भी? कपूरथला पंजाब। कपूरथला पंजाब। ठीक है मेरे, तुसी होल्ड करियो, मैं हुणे गल करदा। ठीक है, कॉलर को होल्ड पे डाल दीजिए प्लीज़। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, आज के लिए इतना ही। आज माफ़ी चाहता हूँ कि एक तो प्रोग्राम लेट से शुरू किया, लाइव प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, उससे पहले 1 घंटा रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक मेरी मुलाकात आपके साथ होगी मंडे के दिन, और नेक्स्ट वीक मंडे आपके साथ बातचीत होगी वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी को लेकर के आगे। और उससे पहले अगर आप बात करना चाहें तो लोकल नंबर के थ्रू आप बहुत फ़ोन कर सकते हैं, 0208-848-8844। किसी भी दिन लोकल नंबर के थ्रू अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें किस्मत कुंडली टीम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, मेरे साथ बात करने के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में, तो आप लोकल नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं manu@kapilastrology.com। इस ईमेल के थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए किस्मत और कुंडली। नेक्स्ट वीक मंडे 12 बजे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।